स्टार्ट। श्रीमद् भगवत गीता नौवां अध्याय। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जन, तेरे विच ईरखा नहीं है, इसलिए ये बहुत गुप्त शास्त्री ज्ञान अते अनुभव तैनू कहिंदा हां। इसनू जान के तू दुख रूपी संसार तो मुक्त हो जावेगा। डंडी, ये ज्ञान सारिया विद्या विच्चों श्रेष्ठ अते गोपनिया विच्चों गुप्त अते परम पवित्र उत्तम प्रतख फल वाला अते धर्म युक्त है। डंडी, साधन करन विच बड़ा आसान अते नष्ट नहीं हुंदा। ते हे प्रपंप, इस धर्म उते जेड़े विश्वास नहीं रखते ओ तैनू नहीं पौंदे अते इस मौत युक्त संसार विच बार बार वापस आउंदे हन। डंडी, मैं अव्यक्त हाँ अते मैंने ही इस सारे जगत संसार प्रगट किए हैं। डंडी, सारे प्राणी मेरे विच हन पर मैं उन्हां विच नहीं हाँ। डंडी, मेरे विच सारे भूत भी नहीं हन। डंडी, मेरा ये ऐश्वर्य कर्म वेखो, मेरी ही आत्मा सारे भूतां दी पालना करदी हुई भी उन्हां विच स्थित नहीं है। डंडी, जिवें कि हर जगह चलण वाली हवा सारे आकाश विच व्यापत है, उसे तरह ही सारे भूत मेरे विच हन। इस तरह समझो हे कौतिया, सारे जीव कल्प दे अखीर विच मेरी प्रकृति विच मिल जांदे हन अते कल्प दे शुरू विच मैं उन्हां नूं फिर जन्म दिंदा हां। डंडी, अपनी प्रकृति दा सहारा लैके उन्हां दे गुण अते सुभाव वाले सारे भूत वर्ग नूं मैं बार बार जन्म दिंदा हां। हे पारथ, मेरे ये कर्म मैनू नहीं बनदे क्योंकि मैं उदासीन दी भांति इन्हां विच रुझिया नहीं होया अते स्थित हाँ। डंडी, मैं अध्यक्ष हो के प्रकृति द्वारा चर अचर संसार नूं जन्म दिंदा हाँ। इस कारण ये संसार बनता है अते विगड़दा रहिंदा है। डंडी, बुद्धू लोक मेरे इस परम रूप नूं नहीं जानते कि मैं सारे चर अचर दा स्वामी हाँ। वो मैनू आदमी समझ के मेरा अपमान करते हैं। डंडी, उन्हां दी आशा बेकार कर्म निष्फल ज्ञान बिना किसी अर्थ दे अते मन भ्रष्ट हैं। डंडी, वो इस आसुरी प्रकृति दे वस विच हैं अते जेड़े मोह नूं जन्म दिंदे हैं। डंडी, हे पारथ, विवेकी लोक जेड़े दैवी प्रकृति विच स्थिर हन ओ मैनू सारे संसार दा आद अविनाशी समझ के मेरे सच्चे मन नाल भजन करदे हन। दंडी, दृढ़ निश्चय वाले हमेशा मेरा यतन नाल कीर्त करदे नमस्कार करदे अते भगती पूर्वक मेरी पूजा करदे हन। डंडी, कई लोग मेरी ज्ञान योग दे नाल पूजा करदे हुए उपासना करदे हन। डंडी, कोई एकतव नाल, कोई अलगाव नाल अते कोई मैनू अनेक रूप वाला विश्व रूप मन के उपासना करदे हन। डंडी, शौर्त यग, समार्त यग अते प्रित यग मैं ही हाँ। डंडी, इस संसार दे माता पिता धारण करन वाला पितामा जानन योग पदार्थ ओंकार ऋग्वेद सामवेद आयुर्वेद मैं ही हाँ। डंडी, गति पालन कर प्रभु साखी निवास स्थान रखक मित्र उत्पन्न करन वाला संहार करन वाला आधार प्रलय स्थान अते अविनाशी बीज मैं ही हाँ। डंडी, मैं सूरज रूप नाल तपदा हाँ, वर्खा नूं रोकदा हाँ, मैं ही वर्खा करदा हाँ अते हे अर्जन, मैं ही अमृत अते मौत भी हाँ अते सत असत भी हाँ। डंडी, तिन्ना वेदां दे जानन वाले सौम पीण वाले अते पाप तों बिना यज्ञ नाल मेरी पूजा
करके स्वर्ग चाहते हैं अते इंद्र दे पवित्र लोक विच पहुँच के स्वर्ग विच देवत्यां दे योग दिव्य सुख नू भोगदे हन। डंडी उस वड्डे स्वर्ग लोक विच सुख भोग के पवित्रता दे कमजोर होने ते फिर मृत्यु लोक विच आ जाते हैं। डंडी इस तरह तिना वेदां दे यग आदि धर्मां दा पालन करन वाले अते भोग दी इच्छा रखन वालियां दा आवागवन हुंदा रहिंदा है। डंडी जिहड़े सच्चे भाव नाल मेरी पूजा करदे हन उन्हां नित योगियों दी मैं इस संसार विच तन जन पुत्र पोतरे आदि दे के उन्हां दी रख्या करदा हाँ ते फिर आवागवन तो इन्हां नूं छुड़ा दिंदा हाँ। हे कौंतिया जिहड़े दूजे देवत्यां दे भगत हन अते शरदा नाल उन्हां दा पूजन करदे हन उह भी मेरी ही पूजन करदे हन। डंडी पर ये पूजन विधिपूर्वक नहीं हुंदा। डंडी सारे यज्ञां दा भुगता अते स्वामी मैं ही हाँ। डंडी जेडे मेरे इस तत् नूं नहीं समझदे उह आवागमन तो नहीं छुटदे। डंडी देवत्यां नूं पूजन वाले देव लोक नूं प्राप्त हुंदे हन। डंडी पितरां दे पूजक पितर लोक नूं प्राप्त हुंदे हन। डंडी यक्ष आदि दे पुजारी यक्ष लोक नूं जांदे हन अते मेरा पूजन करन वाले मैनों प्राप्त हुंदे हन। डंडी भगती नाल पत्र फुल फल जां जल जेड़ा मैनू अर्पण करदा है उस पवित्र मन वाले व्यक्ति द्वारा भगती नाल दित्ते हुए पदार्थ नूं मैं बड़ी खुशी नाल ग्रहण करदा हाँ। डंडी हे पार्थ जो तुसी करदे हो खांदे हो अते तप करदे हो ओ सारा मेरे अर्पण करो। डंडी इस तरह करन नाल कर्म बंधन रूपी पवित्र अपवित्र फलां तो मुक्त हो जावोगे अते संन्यास योग तो युक्त होके मुक्त होवोगे अते मैनू जरूर पाओगे। डंडी मैं सारे भूतां विच्चों इको जिहा हाँ ना कोई मेरा दू प्यारा है ना कोई प्यारा। डंडी जिहड़ा कोई मेरा भगती नाल भजन करदा है वो मेरे विच है अते मैं उस दे विच हाँ। डंडी जेकर कोई दुराचारी भी होवे अते सच्चे भाव नाल मेरा ही भजन करे तां उस नूं मैं साधु ही मानदा हाँ क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। डंडी वो जल्दी ही धर्मात्मा हुंदा है अते देर तक रहन वाली शांति नूं पाउंदा है। डंडी हे अर्जुन ए निश्चय करके समझो कि मेरा भगत कदे भी नाश नूं प्राप्त नहीं हुंदा। डंडी हे पार्थ मेरा आसरा पा के नीच कुल विच जम्मी औरत वैश्या अते शूद्र भी उत्तम गति नूं पाउंदे हन। डंडी जिहड़ा पुन्नवान भगत राज ऋषि अते ब्राह्मण हन उन्हां दी तां गल ही की अते इस नाशवान अते दुख भरे संसार विच जन्म पा के तू मेरा ही भगत कर मेरे विच मन लगा मेरा भगत बन मेरी पूजा कर अते मैनों नमस्कार कर मेरे विच लौ लगाए रह के मेरे विच लै हो जाओगे। डंडी श्रीमद भगवत गीता का नौवां अध्याय समाप्त। डंडी